क्या एक मतलब जैसे कि 9 महीने का है, 4-5 महीने का एक आपका वाइट का एक्सपीरियंस रहता है, तो हम लोग कन्फर्म करते हैं। ठीक है ठीक है। सोशल मीडिया में पैसे लेकर किसी पार्टी के पक्ष में पोस्ट करने का चलन इस वक्त जोरों पर है। कई सेलिब्रिटीज हैं जो इस काम को कर रहे हैं, लेकिन वो इस काम को कुछ इस तरीके से करते हैं कि हम और आप जान भी नहीं सकते। हमें लगता है जैसे ये उनके अपने विचार हैं। वो उस पार्टी या सरकार से प्रभावित होकर ऐसा लिख रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये स्टार हर एक पोस्ट के लिए पैसे लेते हैं, इसके लिए करोड़ों की डील होती है। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन हमारी इस पड़ताल में कई सेलिब्रिटीज बेनकाब हो चुके हैं और कई होने वाले हैं। इस कड़ी में हमारी मुलाकात हुई बॉलीवुड के जाने माने डांस डायरेक्टर गणेश आचार्य से। उन्हें इस काम के बारे में विस्तार से बताया जाता है। इमेज बिल्डिंग का पूरा प्रोसेस है। इमेज बिल्डिंग क्योंकि आपने देखा होगा अभी ऐसे चुनाव 2019 को जो इलेक्शन है सर, इलेक्शन तो अभी राजस्थान के भी है, एमपी का भी है, लेकिन मेन जो टारगेट है हमारा वो लोकसभा इलेक्शन है 2019। लेकिन इमेज बिल्डिंग है तो हम लोग 9-10 महीने पहले से ही काम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी देखते हो, देखा होगा अपना पोजीशन, कुछ ना कुछ नए नए अजीब गरीब मुद्दे उठाती रहती है बीच में। आप लोगों के जैसे जो सेलिब्रिटीज है, जब वो अपने थॉट्स रखती है उन सब बातों पर, तो उससे आपके जो व्यूअर्स है, फॉलोवर्स है या जो नॉर्मल पब्लिक है, उनके मैं स्वच्छ भारत का अमिताभ बच्चन का डेली शो करता हूँ, एक दिन बैठता ना मुझे, मतलब ऐसे जैसे अगर मान लीजिए हम आपको ब्रांड एम्बेसडर या किसी भी उसमें बनाते हैं, तब आप अगर हमारी पार्टी के बारे में कुछ बोलेंगे तब आदमी सीरियसली नहीं लेगा वो, इसलिए वो जान गया कि आप तो बीजेपी के पर्सन। समझ गया, आप हमको कंटेंट देंगे, हम मेरे फेसबुक ट्विटर इंस्टा पे डालना है कंटेंट, हम देंगे आपको बस अपने स्टाइल अपने लैंग्वेज में चाहिए कि अपनी स्टाइल उस स्टाइल में। देखो क्या है ना, मेरा जो है ना कोई भी बात करनी है ना, वो डांस के लिए तो जाऊँ मैं लाखों तक पहुँचती, करोड़ों तक। हाँ, अपनी अपने स्टाइल में करिए। वो आप मुझे कंटेंट भेजेंगे उसको थोड़ा सा मैं डांस फॉर्म में ऐसे ऐसे करूँगा, करूँ ऐसी नॉर्मल बात करूंगा तो मतलब 2-3 लाख तक पहुँचता है बस। लेकिन सीक्रेसी तो पॉलिटिकल फंडिंग है सर, तो 8-9 महीने हाँ, मतलब ये नहीं, मतलब जैसे अभी हम लोग 1st of September हमारा ये है टेंटेटिव कि 1st September से सबको धीरे धीरे करना है, तो उसमें क्या है कि जो भी आपकी पेमेंट अभी जो डिस्कस जो तय होगा पर मंथ का, तो वो आपको अगस्त लास्ट वीक में मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है, जितना पार्ट कैश का होगा वो भी, और जितना RTGS है उसके थ्रू आपके बैंक अकाउंट में बता ही देंगे उनको, वो हो जाएगा। अब तक गणेश हमारी हर बात से इत्तेफाक रख रहे थे, अभी तक उन्होंने किसी भी चीज के लिए ना नहीं कहा था। गणेश को बताया जाता है कि हर महीने 5 कंटेंट दिए जाएंगे जिसको ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना है, पेमेंट भी उसी हिसाब से किया जाएगा। तो सर ये कंटेंट जो होगा ना, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम, बहुत मैक्सिमम भी अगर मान के चलते हैं, वैसे तो 3 से ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन मान लीजिए किसी समय कुछ मुद्दे उठ गए, कुछ हो गया, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 बार हम आपको कंटेंट देंगे। तो 5 कंटेंट जो है वो आपके ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा तीनों में जाएंगे, तो 1 कंटेंट 3 में जाएगा, तो 5 कंटेंट 15 में जाएंगे, मैक्सिमम 15। तो एक 15 के हिसाब से आप थोड़ा सा एक हमें फिगर कोट कर देते तो फिर हमारा मतलब मंथली 15 रहेगा, तो इससे क्या रहेगा कि अगर मान लो किसी मंथ में कम है तो अगले महीने कितने ज़्यादा हो गए तो उसको लोग कवर अप कर लेंगे। तो आपका तो एक मंथली आपको हाँ, तो एक जो भी आपने सोचा होगा कुछ समथिंग कि क्या है आपका आइडिया, मतलब आप ये मान के चलिए कि मैक्सिमम 5 कंटेंट होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और ये भी नहीं है कि हम आपको भी कंटेंट दे बोलें कि तुरंत कर दो, यू विल टेक योर टाइम, आप टाइम देख के समय देख के कि हमारे फॉलोअर जो होते हैं ना सुबह 11 बजे होते हैं, रात 11 बजे, उसके बीच में नहीं होते। हाँ, तो बस वो आप अपने वो जिसमें भी आपको आइडिया सही लगे, सेलिब्रिटीज है ना, हम लोग का टाइमिंग है। अच्छा, हमको मालूम है कि हमारे फॉलोअर्स कब आते हैं, तो उसका टाइमिंग होता है छोड़ने का।
अब बात आती है पैसे की। हमारे रिपोर्टर गणेश से जानना चाह रहे थे कि वो इस काम के लिए कितना पैसा लेंगे। आप क्या सोच रहे हैं, आपको क्या हिसाब से आपको क्या लगता है? थोड़ा एक आप बता दे, हमारा हमने तो कुछ सोचा हुआ है, लेकिन ये कि एक आप बता दे तो हिसाब से चीज़ें कुछ हम लोग कर सके उसमें। 25-30 के बीच में होना चाहिए। पमन 25-30 अच्छा सर, एक चीज उसमें रेशियो आपका कितना, 10-15? जैसे कि 9 महीने का है, 4-5 महीने का एक आपका व्हाइट का आरटीएस जाता, तो हम लोग कन्फर्म जाते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखा आपने, बॉलीवुड के सभी बड़े सितारों को अपने इशारे पर नचाने वाला ये शख्स कैसे पैसे के लिए हमारे इशारे पर किसी के पक्ष में लिखने को तैयार हो गया। ये सब जानते हुए भी कि इसका इस्तेमाल चुनाव में किसी एक पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए किया जाएगा। ये जानते हुए भी कि अपने चाहने वालों को किसी और की बात अपनी जुबा में बता रहे हैं, ये उनकी अपनी सोच नहीं है बल्कि किसी और की सोच है और अपने फैंस के दिमाग में डाल रहे हैं, और ये सब सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए।